नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दीपक मोनी चैनल पर। आज से हम बात करेंगे बीएससी लेवल के मैथमेटिक्स की, जो आपके एलटी के पेपर में, उत्तराखंड एलटी के पेपर में, केबीएस पीजीटी के पेपर में, और हर एक जगह जहाँ पर कोई ग्रेजुएशन लेवल की मैथमेटिक्स आती है वो हम बहुत ही यूज होगा। आज इसको एक शुरुआत करने जा रहा हूँ और सबसे पहला ये मेरा लेक्चर है। रोज़ आपको एक एक वीडियो मिलेगी आधे एक घंटे की, तो रोज़ एक एक वीडियो जो भी दी उसको आप देखिए और आपके लिए फ़ायदा होगा। चलो आज बात करते हैं नंबर सिस्टम की। सबसे पहले बात आती है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। मैं सबसे पहले ये चीज़ों को बेसिक क्लियर, हमको बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए मैथमेटिक्स की, और बेसिक नॉलेज जितनी होगी उतना ही हम मैथमेटिक्स से सीखेंगे। सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम बहुत ही गजब चीज़ है। नंबर सिस्टम के बारे में हमको जानना पड़ेगा सबसे पहले, अगर हमने मैथमेटिक्स से सीखनी है तो। सबसे पहले तो आता है नेचुरल नंबर, नंबर एक आता है नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं हैं जो प्रकृति से संबंधित होगी होती हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर से ये है मेरे पास प्रकृति से संबंधित, ये चलते चलते प्रकृति से संबंधित होती हैं, ये चीज़ें कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। मतलब अगर मैं प्रकृति में कोई पेड़ गिनना है तो मैं वो पेड़ गिनूंगा तो ऐसा तो नहीं कहूंगा ना एक आधा दो, गिनूंगा तो ऐसे ही गिनूंगा 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। फिर आता है भैया, और देखो अगर मैं इनको एक ब्रैकेट में बांध दूं, या फिर उनको एक सेट बना दूं, इनका एक समुच्चय बना दूं, इस सेट को मैं बोलते हैं नेचुरल नंबर। और कभी भी याद रखना, सेट की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होना चाहिए, सुव्यवस्थित क्रम होना चाहिए। मतलब आपके लिए भी वही क्रम होना चाहिए, मेरे लिए भी वही क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लिए कुछ अलग चीज़ है, मेरे लिए भी कुछ अलग चीज़ है। जैसे मैं कह दूँ इस दुनिया में नदियों का सेट बनाओ, नदियों का सेट बनाओगे तो आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। अगर मैं कह दूँ ना इस दुनिया में 2 टॉप 10 क्रिकेटरों का एक समुच्चय बनाओ, आपके लिए वह अलग है, मेरे लिए वह अलग है, वह सेट नहीं है। सेट होता है जो आपके लिए भी वही है, जो मेरे लिए भी वही है। इस दुनिया में पर्वतों का समुच्चय आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, तो उसे ही सेट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या, नेचुरल नंबर का सेट क्या हो गया, जो नंबर सिस्टम जहां शुरू होती है संख्याएं 1, 2, 3, 4, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर मैं जीरो लगा दूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं इन्हें कहते हैं होल नंबर कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा जानना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, अगर हम ये जानेंगे तभी हमको मैथमेटिक्स आएगी। होल नंबर इन्हें बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं, क्या बोलते हैं ना, पूर्ण संख्याएं। अब आता है नंबर तीसरा आता है, अब जैसे मैं अब आता है इंटीजर्स आता है, इंटीजर्स, और इसे हम बोलते हैं पूर्णांक, इसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। और इसके सेट को हम दिखाते हैं जेड से, और वो होता है 0, ±1, ±2, पूर्णांक। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जो पूर्णांक होते हैं, 1 पूर्णांक है, -1 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, -2 पूर्णांक है, +-3, चलते चलते। फिर आता है नंबर चौथा नंबर जो आता है, नंबर चौथा जो नंबर सिस्टम का चौथा नंबर आता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमने आज तक का बचपन से लेकर के एक यही चीज़ पढ़ी, जैसे मैंने कह दिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेशनल नंबर। इसको हम बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। अब हमने एक चीज़ पढ़ी, ऐसी संख्याएं हैं, और इसे हम लिखते हैं क्यू से, इस सेट को ऐसी संख्याएं हैं, सॉरी कैपिटल क्यू से, स्मॉल क्यू से नहीं, कैपिटल क्यू से, मैंने ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां क्यू डज नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाए, 0। हमने इतनी ही डेफिनेशन पढ़ी होती है, ज़्यादा नहीं पढ़ी होती, पर इसके आगे को भी इसमें डेफिनेशन होती है, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर, वो क्या होते हैं, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। जैसे मतलब अगर मैंने लिख दिया 3/2 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि ये है पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त है, और यहाँ पी जो है ये भी मेरे पास इंटीजर है, और मेरे पास जो ये क्यू है ये पी भी इंटीजर है, ये क्यू भी क्या है मेरे पास इंटीजर है। तो यहाँ पर से एक अच्छी, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन निकल के आती है, रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन या तो टर्मिनेटिंग होता है, डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, जैसे 3.2, तो इसका मतलब ये है मेरे पास रेशनल नंबर है, या फिर जिनका डेसिमल डेसिमल एक्सप्रेशन
शांत तो नहीं होता है, मतलब टर्मिनेटिंग तो नहीं होता है, बट रिकरिंग होता है, बार बार चलता रहेगा, मतलब एक संख्या का रिपीट होता रहेगा। इस संख्या को भी मैं पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, 32/10। इस संख्या को भी मैं पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, कैसे, ये इसको हम सॉरी 0.3 तो 1/3, ये तो हमने 10 में पढ़ाई होता है। एक आप अगर आपको ये सीखना है तो आप कृपया 9th की एनसीईआरटी की किताब देखिए, आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। ये होता है रजिस्टर नंबर। अब आता है इसी में, इतना मैं मान के चलूँ ये क्लियर हो गया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो पॉज कीजिए, एक बार 9th की किताब देखिए, वहाँ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है उसके बाद इरेशनल नंबर। अब आता है इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर क्या है, इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब थोड़ा हिंदी में इस मात्राएं उलट पलट हो जाए या इंग्लिश में थोड़ी स्पेलिंग में इधर उधर हो जाए तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मैं गणित का एक विद्यार्थी हूँ, अभी अध्यापक तो नहीं, मैं एक विद्यार्थी हूँ, बट और गणित के विद्यार्थी को कोई इतना भी चीज़ें नहीं आती हैं। अब हम बात करेंगे इरेजर नंबर से की, इरेजर नंबर होते क्या हैं, तो इरेजर नंबर देखो, एज ए नंबर जिन्हें हम लिखते हैं, जैसे ये हम कोई ऐसे नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब अब किन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ पी अपॉन क्यू का इंटीजर मेरे पास हो, ऐसी संख्याएं जो जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन ना तो टर्मिनेटिंग होता है, ना ही रिकरिंग होता है, ना ही दशमलव प्रसार शांत होता है, और न ही किसी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती है। जैसे ये अब यार ये संख्या है मेरे पास, अब ये कोई एक नंबर है, तो इस टाइप के नंबर को ना तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है, और ना ही इसमें कोई नंबर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इस टाइप की जो नंबर्स होते हैं इनको हम इरेजर नंबर बोलते हैं। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम आता है, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रियल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसको मैं बहुत बड़े करके लिख दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम 10वां होते हैं तो एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल इरेशनल एंड रेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर, मतलब सभी जो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो भी रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं के समुच्चय को मैं क्या बोल देता हूँ, रियल नंबर। परंतु ये डेफिनेशन हमारी सिर्फ 9th तक का होती है, क्योंकि अभी हमको थोड़ा और आगे पढ़ना है। तो रियल नंबर की जो वास्तविक डेफिनेशन होती है वो मेरे पास क्या होती है, उस सेट को लिखता हूँ मैं आर से, ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करूँ और वह मेरे पास क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। ऐसी संख्याएं हैं जिनका मैं स्क्वायर करूँ और वह पॉजिटिव आ जाए तो वह रियल नंबर कहलाएगा। जैसे मैंने लिख दिया -2, -2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 4, तो इसका मतलब ये रियल नंबर है। मैंने कहा 2, 2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका मतलब आ जाएगा 4, मतलब ये रियल नंबर है जिसका स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए। क्या अब आ जाओ, अब थोड़ा सा हम नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक का हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर जो नेचर से संबंधित है, होल नंबर जो जीरो जीरो आ जाता है जिसमें, फिर उसके बाद ये हमने पढ़ा, फिर हम उसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर, इंटीजर का मतलब हो गया पूर्णांक, पूर्णांक, फिर आगे रेशनल नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू मेरे पास इंटीजर होने चाहिए, जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होता है और जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग तो हो नहीं होता है, परंतु किसी नंबर कोई रिकरिंग होता है, किसी नंबर की बार बार रिपीटेशन हो रहा होता है। फिर इरेशनल नंबर ना तो टर्मिनेटिंग होता है, ना ही रिपीटिंग होता है। अब आता है रियल नंबर, ऐसी संख्या है जिनका स्क्वायर करने में पॉजिटिव आता है और रियल नंबर कहलाते हैं। अब इसी को थोड़ा सा मैं घुमाता हूँ, अब सुनो, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूँ और निगेटिव, जिसका स्क्वायर करूँ पॉजिटिव नहीं है। अब थोड़ी देर तो हम सोचेंगे कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर हाँ एक ऐसा नंबर है, हाँ मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं और वह पॉजिटिव नहीं आए, वह होता है मेरे पास अंडर रूट के अंदर -1। अगर इस अंडर रूट के अंदर -1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर माइनस आ जाए, ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर माइनस आ जाए उन्हें हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर। ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिनका मैं स्क्वायर करूं और वह माइनस आ जाए तो उसका मतलब क्या कहलाता है, इमेजनरी नंबर। अब इसी इमेजनरी नंबर से एक चीज मेरे पास बनती है, कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं, एक सिंपल सी शब्द होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे नंबर, ऐसे नंबर जिसे हम ए प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं, इसको हम इस सेट को हम दर्शाते हैं सी से, जहां मेरे पास ए एंड बी आर रियल नंबर, रियल नंबर। तो ये था नंबर सिस्टम, एक बार पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। अब उसके बाद कल से मैं 11th की मैथमेटिक्स से शुरू करूंगा, रोज रोज एक एक चैप्टर, फिर उसके बाद जैसे हम सेट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 11th का पूरा सेट पढ़ेंगे, फिर उसका रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे 12th का, फिर उसके बाद हम BSc में आ जाएंगे। ये वीडियो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सभी पेपरों के लिए, मैथमेटिक्स जहाँ इंटर लेवल की BSc लेवल की मैथमेटिक्स लगती है वहाँ के लिए यूज है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।